हेलो एंड वेलकम टू द रिवीजन शॉर्ट फॉर चैप्टर नंबर सेवन ट्रेडिंग इनकम ट्रेडिंग इनकम में कुछ स्पेशल आइटम्स का जो ट्रीटमेंट आपको याद रखना है दैट इज नंबर वन ट्रेडिंग इनकम सीवाईबी बेसिस पे होती है यानी कि करंट ईयर बेसिस पे होती है जिस टैक्स ईयर में आपका ट्वेल्व मंथ पीरियड एंड होगा वो आपका टैक्स ईयर होगा और उसमें आप अपने प्रॉफिट असेस कराएंगे कुछ स्पेशल नेचर के आइटम्स हैं उनका ट्रीटमेंट देखते हैं जैसे लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस अगर ये रेवेन्यू नेचर के हैं और अगर ये ट्रेड के पर्प से इनकर किए गए हैं तो ये, ये कम्प्लीटली टाइटल डिफेंड करने के लिए कुछ खर्चे इनकर करते हैं वो भी अलाउड होती है लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंस करने के लिए आपने जो भी कॉस्ट इनकर करी वो अलाउड होती है किसी पेटेंट को रजिस्टर करने की कॉस्ट एक शॉर्ट लीज को रिन्यू करने का खर्चा ये सब अलाउड होते हैं लेकिन कुछ लीगल और प्रोफेशनल चार्जेस ऐसे होते हैं जो अलाउड नहीं होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं इसलिए वो अलाउड नहीं होते हैं जैसे आप नॉन करेंट एसेट्स को जब अक्वायर करते हैं तो उनके एक्विजिशन पे पे की जाने वाली फीस शॉर्ट लीज के केस में जब इनिशियली शॉर्ट लीज चलती है ग्रांट होती है उस टाइम जो भी लीगल एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कैपिटलाइज होते हैं इसलिए इनको सबसे पहले लीगल चार्जेस को और प्रोफेशनल चार्जेस को आपको ये देखना है कि क्या ये खर्चा कैपिटलाइज किया जाता है अगर कैपिटलाइज किया जाता है तो ये अलाउड नहीं होगा अगर कैपिटलाइज नहीं किया जाता तो अलाउड होगा चैरिटेबल डोनेशन दूसरा आइटम आता है जिसमें आपको ध्यान रखनी है तीन कंडीशंस। चैरिटेबल डोनेशन को तभी अलाउ किया जाता है जब ये तीनों कंडीशन मीट हो पहला डोनेशन पूरा का पूरा ट्रेड पर्पज के लिए किया गया है दूसरा डोनेशन रीजनेबल साइज का है बहुत एक्सेसिव नहीं है तीसरा डोनेशन एक रजिस्टर्ड चैरिटी को किया गया है अगर ये तीनों के तीनों पर्पजेज सेफाई होते हैं तो चैरिटेबल डोनेशन को अलाउ किया जाएगा उसके बाद में गिफ्ट टू कस्टमर्स अनदर इंपॉर्टेंट आइटम कस्टमर्स को जब आप गिफ्ट देते हैं एज अ बिजनेसमैन एज अ टैक्स पेयर वो तभी अलाउ किया जाएगा जब ये सारी कंडीशन मीट होंगी पहली कंडीशन हर कस्टमर को पूरे साल भर में यानी पर कस्टमर पर ईयर इनके गिफ्ट्स की कॉस्ट लेस देन 50 50 होनी चाहिए अगर ये पाउंड से ऊपर हुआ तो पूरे के पूरे गिफ्ट्स पे टैक्स लग जाएगा मतलब कि अगर गिफ्ट 60 पाउंड का भी हो गया तो पूरे 60 पे टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा 10 पे नहीं लगेगा कंप्लीट टैक्स या कंप्लीट अमाउंट पर टैक्स लगेगा यानी कि गिफ्ट टू कस्टमर्स के केस में सबसे पहली कंडीशन एक कस्टमर को पूरे साल भर में 50 पाउंड से नीचे का गिफ्ट देना है नंबर टू गिफ्ट ना खाना होना चाहिए ना कोई ड्रिंक होनी चाहिए ना टोबैको होना चाहिए और ना कोई फूड वाउचर्स होने चाहिए या गुड्स वाले वाउचर्स होने चाहिए और तीसरी कंडीशन आप जो भी गिफ्ट दे रहे हैं उसमें आपके बिजनेस का एक एडवर्टीजमेंट होना चाहिए यानी ये अगर सेटिस्फाई होती हैं तो आपका गिफ्ट टू कस्टमर्स एक अलाउेबल खर्चा होगा आपके नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन से उसके अलावा कुछ आइटम्स होते हैं जैसे कि कार लीज यानी कि गाड़ी अगर बिजनेस खरीदे ये वो केस नहीं है ये वो वाला केस है जहां पे बिजनेस ने गाड़ी खुद किसी से किराए पे ली है तो आपको देखना है गाड़ी का सीओ टू ए अगर CO2 एमिशन गाड़ी का 50 ग्राम तक का है ये पूरा पूरा अलाउड है मतलब ऐसे केस में गाड़ियों की लीज पे आपने जो भी रेंटल्स पे किए हैं वो पूरे के पूरे अलाउड होंगे लेकिन अगर गाड़ी पॉल्यूशन करने वाली है यानी 50 ग्राम से ऊपर CO2 एमिशन वाली है तो आप जो भी लीज चार्जेस पे कर रहे हैं उसका 15% डिसअलाउ हो जाएगा ध्यान रखना उसका 15% डिसअलाउ हो जाएगा नेक्स्ट अगर कोई ट्रेड डेट है उस उसको आपने write -off किया मतलब bad debts write -off कर दिए का ट्रीटमेंट प्रॉपर्टी इनकम में तो सीधा ये जो फॉर्मूला आपको नीचे दिख रहा है टोटल प्रीमियम इन टू फिफ्टी वन माइनस से एक इनकम बुक हो जाती है लेकिन जो पेयर है यानी कि जो बिजनेस कोई भी शॉर्ट टर्म लीज प्रीमियम पे करता है उसके लिए ट्रीटमेंट क्या होगा वो आपके का में चार्ज है, उसको ये अलग तरीके वाला ट्रीटमेंट क्या होगा ये जो भी इनकम आपने प्रीमियम की बना के प्रॉपर्टी इनकम में डाली है रिसिपियंट की प्रॉपर्टी इनकम में डाली है यानी कि ओनर की प्रॉपर्टी बिल्डिंग में प्रॉपर्टी इनकम में डाली है वो पूरी की पूरी इनकम टोटल लीज पीरियड पे बराबर बराबर आप लेस करके क्लेम कर लीजिए एस एन अलाउेबल एक्सपेंस मैं वापस बोलूंगी ध्यान से सुनिएगा शॉर्ट टर्म लीज के ऊपर आप ये टोटल प्रीमियम इंटू फिफ्टी वन माइनस एन अपॉन फिफ्टी करके प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते हैं उसकी जो इस इनकम को रिसीव करता है अब कोई पे भी करता होगा अगर पे करने वाला एक बिजनेस है तो वो इसका ट्रीटमेंट इस तरीके से करेगा जो आपके सामने इस पूरे बॉक्स में है। क्या होगा जो भी इनकम प्रॉपर्टी इनकम आपने लीज प्रीमियम शॉर्ट लीज प्रीमियम के नाम पे ओनर के अकाउंट में डाली है वही डिवाइडेड टोटल लीज पीरियड यानी उस इनकम को क्लेम कर सकता है पे करने वाला अगर वो बिजनेस है तो अक्रॉस दी लीज टर्म ये बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है अब अगर आपका कोई प्री ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर है मतलब कि आपका बिजनेस चालू होने से पहले का खर्चा ऐसे कौन से खर्चे होते हैं बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस चालू करने से पहले बिजनेस की लीगल डॉक्यूमेंटेशन की फीस होती है इनकॉर्पोरेशन की फीस होती है कई तरह के कंसल्टेंसी की आप पे करते हैं ऐसे केस में जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिजनेस चालू होने से सात साल के अंदर अंदर आपने इनकर करे हैं वो सब अलाउ हो जाएंगे जिस दिन बिजनेस स्टार्ट होगा अब एक और इसमें स्पेशल आइटम आता है दैट इज गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर यानी अगर बिजनेस से गुड्स विड्रॉ किए ओनर ने आपको हमेशा ध्यान ये रखना है उसको सेल कंसीडर करनी है यानी आपको इफेक्ट देना है कि वो सेल्स कंसीडर की गई क्या अगर किसी ओनर ने 100 पाउंड्स के गुड्स लिए तो आपको चेक करना है कि क्या प्रॉफिट में 100 पाउंड्स जुड़ा हुआ है नहीं जुड़ा हुआ है आप जोड़िए अगर कम जुड़ा हुआ है आप बचावा जोड़ दीजिए सो द पॉइंट इज सेल्स उसको कंप्लीट सेल्स माननी है और सेल्स मानते ही आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा ये आपको कांसेप्ट लेना है गुड्स विड्रन बाय द ओनर में अब स्मॉल बिजनेस अप्रूवल बेसिस की बजाय कैश बेसिस ऑफ डिक्लेयरिंग इनकम एंड फाइलिंग रिटर्न इसके लिए यूज कर सकते हैं कैश बेसिस ये स्मॉल बिजनेस क्या होता है? जिसका रेवेन्यून लाख फिफ्टी थाउजेंड पाउंड तक का होता है इस चीज में एक चीज ध्यान रखनी होती है अगर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड से ऊपर आपका रेवेन्यू निकल गया आप तब भी स्मॉल बिजनेस ही कहलाएंगे कैश बेसिस आप यूज करते रहेंगे बशर्ते रेवेन्यू थ्री लाख पाउंड से ऊपर नहीं जाना चाहिए और करंट ईयर में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पाउंड से ऊपर भले ही कर जाए मतलब कि वापस सुनिए स्मॉल बिजनेस होने के लिए रेवेन्यू लाख पाउंड तक होना चाहिए लेकिन हो सकता है किसी साल में वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पाउंड से ऊपर निकल जाए निकलने दो तो, कोई बात नहीं आप तब भी कैश बेसिस यूज कर सकते हैं अगर आपका रेवेन्यू किसी भी साल में या उस साल में या पिछले टैक्स ईयर में तीन लाख पाउंड से ऊपर ना गया हो मतलब वो ना जाए 3 लाख पाउंड से भी ऊपर अगर निकल गया तो फिर आपको कैश बेसिस छोड़ना होगा अब कैश बेसिस के अंदर किस तरह से खर्चे अलाउ किए जाते हैं इनके लिए फ्लैट सिस्टम यूज किया जाता है मतलब कि बिजनेस माइल्स के लिए एएमएपी यूज होता है आप एक्चुअल खर्चे वाला हिसाब किताब यूज नहीं कर सकते प्राइवेट यूज ऑफ बिजनेस प्रमाइजिस के लिए भी प्राइवेट यूज एडजस्टमेंट करना पड़ता है यानी अगर बिजनेस प्रोमाइस को कुछ प्राइवेट पर्पजेस के लिए काम लिया जा रहा है तो उसमें प्राइवेट यूज का एडजस्टमेंट उतनी परसेंटेज का खर्चा उतनी परसेंटेज का कैपिटल अलाउंस उतनी परसेंटेज का बिजली का बिल ये सब उसमें अलाउड नहीं होता विद दिस ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ ट्रेडिंग इनकम आर कवर्ड प्लीज डू रिवाइज इट अगेन एंड थैंक यू सो मच